केदारनाथ के भयानक बाढ़ में बहकर सिद्ध योगी के स्थान तक पहुंच चुके शख्स का योगी बाबा के साथ संवाद जारी था। बाबा द्वारा खुद को सच्चा साधक बताए जाने पर वो हैरान था और बाबा जी से इसका राज जानना चाहता था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक शब्द भी वृथा नहीं होता बेटा, मैंने तुम्हें जो सच्चा साधक कहा है वो सही ही कहा है। वर्तमान जन्म से दो जन्म पहले जब तुम एक किसान के घर में जन्मे थे, तब तुमने मेरे साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए थे। शुरुआत के वर्षों में तुमने मेरे साथ लगातार भ्रमण किया। कई तीर्थ घूमने के बाद हम हिमालय पर आ गए। यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण से प्रेरित होकर तुमने मुझसे ध्यान और योग सिखाने की प्रार्थना की। मैं जानता था कि योग की जटिल प्रक्रियाएं तुम इस जीवन में नहीं सीख सकोगे, लेकिन मैंने तुम्हें योग सिखाना शुरू किया और तुमने भी बड़ी लगन के साथ उसे सीखा। इस तरह कुछ वर्ष और बीत गए, लेकिन मैं देख पा रहा था कि तुम्हारा समय इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका था। मृत्यु तुम्हें लेने को तैयार थी, लेकिन मेरे आश्रय और हिमालय के उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र के चलते मृत्यु तुम्हें छू नहीं पा रही थी। इस वजह से मैंने तुम्हें जानबूझकर झरने में स्नान करने भेजा और वहां तुम पानी में फिसल गए। झरने के जल में बहते हुए तुम हिमालय के उस पावन क्षेत्र से बाहर आ गए और वहां पहले से तुम्हारी राह देख रही मृत्यु ने तुम्हें दबोच लिया। ये सब बातें साधक को अचरज भरी मालूम हो रही थी। उसने पूछा, इसके बाद के जन्मों में मेरा क्या हुआ बाबा जी? योगी बाबा ने कहा, इसके बाद के दो जन्म तुम्हारे संसार के भोग विलास में डूबे रहे। इन दो जन्मों में तुम्हारी सारी दैहिक और संसारी वासनाएं तृप्त हो चुकी थी। वर्तमान जन्म में तुम्हारा आचरण अत्यंत सात्विक था, इसीलिए मैंने तुम्हारी बची हुई साधना पूर्ण कराने के लिए इस जन्म को चुना और तुम यहाँ पहुंच गए। तुम्हारा यहाँ पहुंचना कोई संयोग नहीं था। ये स्थान इतना दुर्गम है कि यहाँ मनुष्य के साथ ही यक्ष और गंधर्व भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में कई सिद्ध विभूतियां अपनी तपस्या में रत हैं। उनके तपोबल के प्रभाव से कोई प्राकृतिक या मानवीय आपदा इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकती। ये एक बहुआयामी स्थान है। यहाँ वो रंग और सुगंध और साथ ही दृश्य भी अनुभव किए जा सकते हैं जो साधारण मानव की सीमाओं से परे हैं। बाबा की बातें सीधे उसके अंतर्मन को चोट पहुंचा रही थी, लेकिन वर्तमान जन्म के संस्कार बार बार उसकी चेतना में आड़े आ रहे थे। उसकी आंखों में दुख के आंसू भर आए और वह बोला, लेकिन बाबा, मेरी पत्नी और बच्चे क्यों मुझसे बिछड़ गए? घर में मेरे पिताजी, हम सबके बिना कैसे जी पाएंगे? अपने परिवार के बिना मेरा किसी भी साधना में मन नहीं लग सकता। आप तो बहुत दयालु हैं और शक्ति संपन्न भी। आप मेरी पत्नी और बच्चों को फिर से जिंदा कर दीजिए। हमारा छोटा सा परिवार बहुत सुखी था। मुझे नहीं करनी किसी भी प्रकार की साधना। ये सुनकर बाबा जी हल्का सा मुस्कुराए और उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा। पिछले अनुभव से वो समझ चुका था कि अब बाबा जी कोई चमत्कार दिखाने वाले हैं। उसका आकलन सही था। बाबा जी के हाथ का स्पर्श पाते ही उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई। उसने देखा कि वो शिष्य के रूप में गुरु के साथ बड़े ही आनंद में था। अपनी मेधा और लगन से वो धीरे धीरे सारी विद्याएं सीखने लगा था, लेकिन फिर अचानक हुए एक हादसे से उसका गुरु से साथ छूट गया। अगले जन्मों में उसे नए माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे मिले। इसके अगले जन्म में ये सारे किरदार फिर बदल गए। वो तत्काल समझ गया कि ये सारे नाते रिश्ते एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है।
मौत के साथ ही ये रिश्ते एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। थोड़ी देर में उसे फिर से बाबा जी का स्पर्श महसूस हुआ। इस बार वो आनंद के सागर में डूब गया। उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और वो बहुत दूर तक देखने में समर्थ हो गया था। वो कहीं भी ध्यान करके उस जगह के सारे दृश्य देख पा रहा था। उसके मन में जो भी स्थान घर कर चुके थे, पल भर में वो उन सभी स्थानों पर घूम आया। अपनी इस विचित्र शक्ति पर उसे आश्चर्य भी हो रहा था और खुशी भी। अब उसे संसार और माया के बंधन साफ दिखाई देने लगे थे। वो ना किसी का पुत्र था, ना किसी का पति और ना ही किसी का पिता। वो सिर्फ एक चेतना है जो परम स्वतंत्र है। इस स्थिति में उसे इतना आनंद आया कि वो सब कुछ भूल चुका था। उसे याद ही नहीं रहा कि वो कितने समय तक इस स्थिति में रहा, क्योंकि आनंद के पलों में समय का ध्यान ही नहीं रहता है। अचानक से उसे बाबा का हाथ सर पर महसूस हुआ और वो दोबारा अपनी चेतना में लौट आया। उसका रोम रोम पुलकित था और आंखों में आनंद के आंसू थे। आंखें खोलते ही उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए। इस पर बाबा ने विनोद में कहा कि बड़ी देर लगाई बेटा तुमने मेरा आशय स्वीकार करने में, लेकिन माया सच में बहुत शक्तिशाली होती है। माया का स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है कि मनुष्य उसमें उलझकर रह जाता है। साधक ने कहा, बाबा जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। मुझे साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने और मेरा कल्याण करने के लिए आपने इतने जन्म तक लगातार मुझ पर दृष्टि बनाए रखी। ऐसा भला कौन इस संसार में किसी के लिए कर सकता है। ऐसी अद्भुत कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। बाबा अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। आप मुझे फिर से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने में मार्गदर्शन दीजिए। इस पर बाबा ने कहा, साधना शुरू करने से पहले केदार बाबा के दर्शन कराते हैं। वो दोनों आकाश मार्ग से केदारनाथ पहुंच गए। यहाँ का माहौल इस समय पूरी तरह बदल चुका था। तबाही के निशान वहां जरूर मौजूद थे, लेकिन मंदिर को कुछ विशेष नुकसान नहीं हुआ था। इस समय केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके थे। ये देखकर साधक समझ गया कि उसे बाबा जी के पास आए कई महीने बीत चुके हैं। बर्फ में दबे मंदिर के पास आकर बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों केदार बाबा के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। बाबा ने कहा, जिस तरह लाखों प्राकृतिक आपदाएं भी इस ज्योतिर्लिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसी प्रकार मृत्यु भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहते हुए बाबा जी ने साधक के माथे पर चंदन लगाया और कहा, आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ है वत्स। बाबा केदार की कृपा से तुम साधना के मार्ग पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। केदारनाथ त्रासदी के बीच घटी ये अद्भुत घटना आपको पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।